उदयपुर जिले के सुलुम्बर उपखंड में ग्रीष्म ऋतु के साथ ही नगर में पानी की समस्या बढ़ती जा रही है। इसी समस्या के चलते सोमवार को नगर के वार्ड 20 के आम नागरिकों ने नगर पालिका के अध्यक्ष एवं अधिकारियों को अवगत करवाया व पेयजल समस्या निवारण की मांग रखी। ग्रीष्म ऋतु के आगमन के साथ ही अक्सर नगर में पानी की समस्या बढ़ती जा रही है। दिन भर की मशक्कत के बाद भी पर्याप्त पानी नसीब नहीं हो रहा। बढ़ती समस्या को लेकर वार्ड नंबर 20 के लोग अपने वार्ड से चुने गए चेयरमैन व जलदाय विभाग अधिकारियों को अवगत कराते हुए बताया कि आए दिन पाइपलाइन फूट जाने तो कभी मोटर खराब हो जाने या बिजली संकट की बात पर पेयजल आपूर्ति बाधित रहती है। स्थिति यह है कि सुबह 6 बजे नलों में पानी आता है, केवल 10 मिनट ही पूरा पानी नहीं मिल पाता है और पानी की कमी रहती है। गर्मी के दिनों में पानी की खपत 3 गुना बढ़ जाने से समस्या खड़ी हो जाती है। नगर वासियों का पेयजल आपूर्ति के लिए कर्मियों पर भी लापरवाही का आरोप लगाया। नगर के वार्ड 20 के बाशिंदे पानी की कमी के चलते जलदाय विभाग पहुँचे। कनिष्ठ अभियंता छगन लाल सुथार को पानी की समस्या से अवगत करवाया और जल्द ही पानी की सप्लाई सुचारू करने की बात कही। इस दौरान वार्ड के भूपेंद्र टेलर, जतिन सोनी, मीनाक्षी सोनी, गौरी सोनी, राजवीर सोनी, लक्ष्मी मेवाड़ा, माया टेलर, शारदा टेलर, वनीता सोनी, पुष्पा जैन सहित वार्डवासी मौजूद रहे।